हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल। चलिए सर, आज मैं बात करूंगा लाइफ इन 5 के बारे में। ये जो प्राइस रेंज इसका आ रहा है 6599 का आ रहा है। इसका जो डिजाइन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। फ्रंट में आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, सेंसर, स्पीकर, नीचे में 3 बटन मिल जाएगा। राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन मिल जाएगा। ऊपर में 3.5 का जैक लगाने का जगह दिया हुआ है। नीचे माइक दिया हुआ है। बैक साइड अगर हम देखें, वहां पे आपको कैमरा के साथ फ्लैश मिलेगा एंड लोगो मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों डिजाइन। अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो वहां पे आपको मिलेगा 5 इंच का IPS HD डिस्प्ले मिल रहा है, जिसका आपको रेजोल्यूशन 720x1280 पिक्सल का रहेगा। और इसका जो PPI रहेगा 294 का PPI आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में। तो दोस्तों, इस फोन का जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इंटरनल पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 8 GB का इंटरनल मेमोरी, जिसको आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। और इसका जो रैम है वो आपको 1 GB का रैम मिल रहा है। प्रोसेसर 1 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जाएगा। और जो GPU होता है वो आपको मालिका T720 का GPU मिल जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस फोन का जो कैमरा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। कैमरा जो है आपको बैक कैमरा 8 MP का विथ फ्लैश मिल रहा है ऑटो फोकस के साथ। वहां पे आपको फीचर्स जो देखने को मिल जाएगी, फेस डिटेक्शन, स्माइल डिटेक्शन और वहां पे HDR, पैनोरमा, ये सब आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें, वहां पे आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इस मोबाइल का बैटरी के बारे में जान लेते हैं। 2000 mAh का बैटरी दोस्तों, जो कि 7 आवर्स का टॉक टाइम देगा, ऐसा कंपनी बोल रही है। और जो इसका वेट आ रहा है 137 ग्राम का वेट आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन। अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरा जो ओपिनियन दोस्तों, इस प्राइस रेंज में 7000 के प्राइस रेंज में ये जो फोन आ रहा है, इंटरनल पार्ट इसका बहुत ही अच्छा है। और इसका जो कैमरा है वो बहुत 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 अच्छा है। मतलब कि 8 MP का आपको बैक कैमरा मिल रहा है, फ्रंट में आपको 5 MP का मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और कैमरे के बारे में तो कुछ बोला नहीं चाहूंगा। बैटरी भी लगभग ठीक ठाक है, 2000 mAh का बैटरी इस प्राइस में ठीक ठाक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, मतलब मेरा ओपिनियन यही है कि ये अगर रेटिंग देना हो इसे तो 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। अब ये मेरा कहना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।